अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो आज का दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट कुछ एक तो काम बचे है, वो एक तो काम निपटाना है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मुझे बेसिकली जाना है 2 शॉप पर, एक अंधेरी वेस्ट में ही है और एक कुरवा में है। सो सबसे पहले तो हम जाएंगे अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट में जो है मुझे कुछ 2-3 सामान लेने हैं, आई होप वहाँ पर मिल जाए। बेसिकली एसेसरीज है राइट के लिए, तो वो मैं वहाँ से जाके लूँगा। एंड एलईडी लाइट भी मुझे चेक करना है, क्योंकि एलईडी लाइट मुझे चेंज करनी है वर्कमैन की। जो मिरर पे लगी है वो वाइट कलर में, मुझे वो वाइट कलर में नहीं चाहिए, मैं उसको चेंज करने वाला हूँ ऑरेंज कलर में, येलो कलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो फिलहाल अंधेरी जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं, अगर वहाँ मुझे लाइट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, बट अगर वहाँ पर लाइट नहीं मिलती है तो मैं जाऊँगा कुरला, क्योंकि कुरला में बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने देखे थे बहुत सारी एलईडी के लाइट के ऑप्शन है वहाँ पे, तो मैं वहाँ से जाके जो है एलईडी लाइट ले लूँगा। अब सेकंड चैलेंज ये है कि उसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि उसका जो वायर कनेक्शन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और जो एलईडी लाइट कुरला में मिलती है वो वायर के साथ में मिलती है, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा प्रॉब्लम है, वो देखना पड़ेगा, किसी मैकेनिक को वहाँ पर पूछना पड़ेगा या फिर एलईडी वाले से पूछना पड़ेगा, देखते हैं अब कैसे होता है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं उसका बाइक पर। सो निकल गए हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है अंधेरी वेस्ट में डीएन नगर पर। तो ये एक बेसिकली स्टोर है, एसेसरी स्टोर है, यहाँ पे आपको हेलमेट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग गियर सारी चीज़ें मिल जाती है। और बेसिकली हम जो जा रहे हैं यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें तो लेने नहीं जा रहे, सिर्फ 1 या 2 चीज़ें हैं मैक्सिमम। और अगर ऐसा लगा कि वहाँ से और कुछ चीज़ें लेनी चाहिए तो देखते हैं फिर उस टाइम पे, अगर कुछ लगा कि ले सकते हैं तो ले लेते हैं। ट्रैफिक ठीक है, तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग शॉप की तरफ। पहले तो यार शॉप मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसका नाम नीचे की तरफ लिखा गया था तो मेरे तो ध्यान में नहीं आया, बट अभी पहुंच गए हम लोग डायरेक्टली शॉप की तरफ। ये रही टॉप टाउन एसेसरीज की शॉप, देख लेते हैं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इनके पास, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाई, कैरियर से? बड़े भाई कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे बेलेक्लावा चाहिए था हाथ में पहनने के लिए चाहिए था, कुछ अवेलेबल है अपने पास? हाथ में पहनने के लिए तो है, जो सर पे पहनने के लिए वो ख़त्म हो गया। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं है? हाथ में पहनने के लिए मिल जाएगा। कब मिल सकता है अपने को? 1-2 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन में? अरे अभी चाहिए तो पीछे वो मोटो वी करके जो है वहाँ मिल जाएगा। कितने का मिलेगा वहाँ पास? 60-80 रुपये में आ जाएगा। सो फाइनली मेन चीज़ अगर करवाने जाना है तो उसके लिए तो कुरला ही विज़िट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। खैर देखते हैं, फ़िलहाल एक काम तो हो ही गया है, दूसरे काम के लिए तो अब देखते हैं। पहले मैं एक बार मिल लेता हूँ जो नंबर प्लेट्स वाले होते हैं, एक बार उनसे मिलकर बात करते हैं, अगर उनके पास कोई जुगाड़ है तो जुगाड़ करेंगे भाई। अपन तो सबसे पहले जुगाड़ वाला काम ही देखते हैं, उसके बाद में अपन मेन काम देखते हैं, तो पहले जुगाड़ का देखते हैं। अगर कुछ जुगाड़ मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर जुगाड़ ना मिले तो फिर कुरला जाना ही पड़ेगा, ठीक है।
सो फिलहाल पहुंच गए हैं हम लोग, डी एन नगर से निकल गए हैं, जू की तरफ आ गए, जू सर्कल पर, और यहां से लेफ्ट लेंगे और वहां पे है 2-3 नंबर प्लेट वाले, पूछते हैं उनसे, देखते हैं क्या हो सकता है। वैसे यार जो नी गार्ड लिया है, एक्चुअली वही नी गार्ड मुझे बहुत पहले से लेना था। ये जो है ज़्यादा ये भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और अपना जो काम है वो काम भी प्रॉपर पूरा हो जाएगा इससे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया अपना सेट। अब दूसरी चीज़ ये है कि राइडिंग गेयर की जो बात है, वो राइडिंग गेयर भी लेना है, राइडिंग गेयर बोल रहा हूँ यार मैं फिर से, राइडिंग जैकेट भी लेना है, और राइडिंग जैकेट के लिए भी घूमना है। मतलब मैंने सिलेक्शन कर रखे ऑलरेडी, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो में देखना। 3 राइडिंग गेयर है, 3 राइडिंग जैकेट है, उसके लिए सिलेक्शन भी कर चुका हूँ, और ऑलमोस्ट तीनों भी लेवल 2 प्रोटेक्टर के साथ में है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको उसका प्राइस कॉस्ट क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, और वो स्टोर में जब विज़िट करूँगा, उस स्टोर में जाके चेक करने के बाद ही एक्चुअल पता चलेगा साइज़ वगैरह और प्राइस वगैरह के बारे में। बाकी तो एक नॉर्मल प्राइस मैंने पता कर लिया उसका कि इतने प्राइस में वो मिलता है, बट लेट्स सी कितना पड़ेगा अपने को। फ़िलहाल तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट अभी आगे ही है, 1-2 शॉप है वहाँ पर, पूछ लेंगे और कन्फर्म करते हैं कि क्या कर सकते हैं इस पर, ठीक है। बाकी तो यार ये टाइम पे मेरे को कुरला विज़िट करना थोड़ा ये लग रहा है, क्योंकि अभी हो गया है 5:22 और 5:40 की नमाज भी है, असर की नमाज रहेगी। कुरला ही जाना पड़ेगा, तो देखते हैं यार कल विज़िट करते हैं। कल मेरे को एक्चुअल में 2 काम और करने हैं, मतलब अब अगर ये कुरला वाला काम डाल दो तो 2 काम हो गया, क्योंकि देख रहे होगे इंडिकेटर पे ऑयल चेंज का ऑप्शन आ रहा है। सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ऑयल चेंज के लिए ऑयल चेंज करवाने जाना है, एंड देन उसके बाद हम लोग कुरला विज़िट करेंगे, और देखते हैं वहाँ पर लाइट का काम हो जाए तो अच्छी बात है। सोच रहा था यार राइड पे जाने से पहले हो जाए, वैसे ये प्रिपरेशन मैं संडे की नॉर्मल राइड के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ संडे को देखकर नहीं कर रहा हूँ, उसके आगे भी जितनी राइड करूँगा मैं तो उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ ये, तो देखते हैं यार मिल जाता तो अच्छा होता, बट खैर फिर से आ जाइए, फिर से कर लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलते हैं सीधा घर। अल्हम्दुलिल्लाह घर भी पहुंच गए, असर की नमाज भी हो गई है, अब मगरिब का इंतज़ार है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या परचेज़ किया है वहाँ से, ठीक है। सो सबसे पहले ही तो 10 ये है टैनिंग से बचाने के लिए, ठीक है, ये पूरा हाथ कवर कर लेता है, पूरा हाथ कवर करता है यहाँ तक, अपने ग्लव्स हो गए अगर पहन रहे हो तो ये यहाँ तक टैनिंग से बचा लेगा, ठीक है, क्लोथिंग पाउच। उसके बाद जो मेजर सेफ्टी है वो है ये, सो दिस इज स्टील, ये है नी गार्ड एंड दिस इज एल्बो गार्ड। ये दोनों गार्ड का रीज़न मेरा आप लोगों को पता ही है, कि मेरे पास अभी कोई सेफ्टी गियर नहीं है, मेरे पास कोई जैकेट नहीं है, कोई पैंट नहीं है, नथिंग। सो नी गार्ड तो मेरा बहुत पहले से प्लान था कि मुझे नी गार्ड लेना है, बट नी गार्ड ये अकेले नहीं आता है, मतलब
अलग कंपनी में आता है, बट मुझे वो नहीं लेना था, मुझे यही लेना था। तो इसके साथ में एल्बो गार्ड भी मिल जाता है। एल्बो गार्ड का रिक्वायरमेंट डेफिनेटली अभी यूज़ होगा, क्योंकि अभी हमारे पास राइडिंग जैकेट नहीं है, बट जैसे ही राइडिंग जैकेट हमारे पास आ जाएगा, एल्बो गार्ड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल नी गार्ड जो है, नी गार्ड जो मैंने मुझे जो परचेस करना था, नी गार्ड ये मुझे आगे तक की राइड के लिए परचेस करना है, क्योंकि मैं राइडिंग जैकेट भी ले लूँगा, उसके बाद भी मुझे नी गार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नी गार्ड का मेरा प्लान वही था लेने का कि इसको मैं आगे तक यूज़ करूँगा। तो ये जो है, आज जो मैं निकला था, बेसिकली मुझे जाना था कुर्ला भी, क्योंकि कुर्ला से मुझे एलईडी का काम भी करवाना था। मैंने जहाँ से ये परचेज किया, उन्होंने बताया था कि आप फिल्म लगा लो, जो होते हैं नंबर प्लेट जो लगाते हैं उनसे लेके, वो फिल्म लगा देंगे तो आपका लाइट का काम ऑरेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं हुआ, वो मैं बात करके आया उनसे, उन्होंने बताया कि आप फिल्म लगाने के बाद भी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये जो है वाइट की वाइट ही रहने वाली है, तो कोई मतलब नहीं, तो वो यूज़लेस है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। अब देखते हैं इंशाल्लाह कब जाना होगा। सो कुर्ला जाना पड़ेगा, कुर्ला से एलईडी लाइट का काम करवाना पड़ेगा। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली है, वो है बेलेक्लावा फेस मास्क। ठीक है, वो भी मुझे लेना है। एक वो चीज़ हो गई और एक लाइट का काम हो गया। मतलब ये दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है राइड के लिए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब नाइट टाइम है, रात में जो है थोड़ा एक लुक एनहेंस करती है लाइट, तो इस वजह से मुझे था कि मुझे वो लगवाना है। मुझे बेसिकली वो पहले से लगवाना था, बट मैं वेट कर रहा था फर्स्ट सर्विस का, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बट नाउ आई नो कि सर्विस से आफ्टर मार्केट का कोई भी सामान आप लगा लो, उससे कोई रिलेट नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका कोई इशू नहीं होता है। तो वो लगवा लूँगा मैं, फ्लैशर लगवाना है। ये सब पेंडिंग काम है, बहुत सारे काम है जो बाइक के लिए भी है और मेरी सेफ्टी के लिए भी है। तो आगे चल के स्लोली स्लोली हम ऊपर बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये नी गार्ड जो लिया था, इसका हम यूज़ करेंगे आने वाली बाकी सारी राइड्स पर। और जब हमारे पास थोड़ा बहुत बजट हो जाएगा राइडिंग जैकेट के लिए, तो उस टाइम पर हम लोग राइडिंग जैकेट भी ले लेंगे। तो फिलहाल यही था, आज इसी का ही हम परचेज कर पाए। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो चीज़ और ले लें बाइक के रिलेट में, जैसे एलईडी लाइट की मैंने बात किया, और मे बी हमें वहाँ पे और कोई और चीज़ भी मिल जाए जो हमारे यूज़ के लिए हो। सो देखते हैं अब जब जाएंगे, कल परसों तरसों जो भी टाइम मिले। अगर इनके प्राइस की बात करूँ तो ये दोनों मुझे पड़े 900 रुपीज़ के। इसका उन्होंने मुझे पहले बताया था 1100 रुपीज़, जो कि इसका प्राइस बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, ये लगभग 900 के अराउंड में मिलता है सबको। तो थोड़ा उनसे नेगोशिएट किया, उनको बताया कि इतना नहीं मिलता है, तो वो वो सारी बात करके उन्होंने ये 900 पे एग्री कर लिया। और उसके साथ में मैंने ये जो टैनिंग से बचने का है, ये मैंने उनसे ले लिया ऐसे, तो ये मुझे फ्री में पड़ गया और ये 900 रुपीज़ का। सो टोटल 900 रुपीज़ में दोनों चीज़ आ गई मेरी। अब आगे जो भी चीज़ है वो भी, उसका भी प्राइस मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल ये सही दाम में मुझे लगता है। अगर सेफ्टी पे हम लोग ज़्यादा सोचेंगे, ये भी फिर भी उतना सेफ्टी नहीं है, बट स्टिल जो शॉर्ट राइड हम लोग करते हैं और नॉर्मल राइड जो हम करते हैं, हमारी उतनी स्पीड नहीं है। बेसिकली हमारी बाइक की स्पीड, हमारी स्कूटी की स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम 150 होती है, लेकिन जाती कितनी है, मैक्सिमम 100 भी जाए सही तो गई, वरना तो 90-95 मैक्स जाती है। तो उस केसेस में दिस इज़ गुड, ये सेफ कर लेगा। बट अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होती तो फिर बात अलग होती, फिर एडवांस वाला लेना पड़ता है। तो यही था, इसका प्राइस इतना ही है, बाकी तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्री ऑन रहना।